जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब जीवन में कार्य संभव हो जाता है, सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। इस वक्त हनुमान जी के एक भक्त से मुलाकात हुई है। स्वागत है आपका। जय सियाराम। जय जी जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सोमनाथ सचदेवा जी। जी तो बड़े भक्ति भाव के साथ आप आरती में भी शामिल हुए, तो हनुमान जी की भक्ति में मुझे लगता है काफ़ी पहले से आप भक्ति कर रहे हैं। मैं प्रभु के चरणों में काफ़ी से अपने आप को समर्पित ही करा हुआ है। अच्छा। जिंदगी में जैसे पंडित जी कह रहे हैं, समय ये समय मेरे पे भी आया था कि मेरे ये दोनों घुटने यहाँ से लेकर यहाँ से मतलब बदले हुए हैं सारे। अच्छा। दोनों घुटने मेरे बदले हुए हैं, लेकिन जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ मंगलवार, मैंने कहा प्रभु जिंदगी में बुरा करा हो तो जरूर करना, अगर बुरा नहीं करो तो मेरा बुरा मत कर। अनजाने में कोई गुनाह हो गया तो मैं नहीं कहता, लेकिन जानबूझ के हमने ज़िंदगी में गुनाह नहीं करा। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई, उसके बाद मेरी फिजियोथेरेपी हुई, सब कुछ हुई। जब फिर चलना सीखा तो मंगलवार, फिर उसके बाद 8 हफ्ते के बाद मंदिर में आया, जिस दिन पहली दफ़ा मत्था टेकने, प्रभु आपकी लीला तो बड़ी अपरंपार है, बड़ी अपरंपार है हर चीज़ में, उस दिन भी मंगलवार। अच्छा। मेरे संयोग ऐसा कि मंगलवार ही होता है। मंगलवार ही मंगलवार था। और जिस दिन मैं एडमिट हुआ उस दिन सोमवार का दिन था, जैसे आज का दिन है, अगले दिन ऑपरेशन हुआ वो भी मंगलवार। तो प्रभु के ऊपर तो मेरी निष्ठा, हमारे दामाद बिटिया तो मतलब हर 2-3 महीने बाद अपना ये इनका पाठ कराते हैं, ये हनुमान चालीसा का तुम्हारा ये पूरा पाठ इनका कराते हैं। वो बिटिया हमारी प्रीतियार वो भी सी ब्लॉक में रहती हैं। अच्छा। लेकिन मैं भी हूँ, मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता, बाकी फिर भी प्रभु के चरणों में आशीर्वाद इनका बराबर ले रखता हूँ। यानी पूरा परिवार है सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत पीरा, एक चीज़ दिमाग में बैठी हुई है कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत। आप उनको याद तो करो, वो तो तुम्हारे में है, तुम पता नहीं अरे कहे फिरता वनी वन में, हर को ढूंढ ले अपने ही मन में। ये तो बैठे तुम्हारा विराजमान है, अब हम देखो फिरते बार बार घूमते हैं, उसका तो इलाज ही कोई नहीं है। मेरे दिल से इनको याद तो करो, उनको तो सब कुछ पता है क्या होना है, क्या क्या होने वाला है, तो वो चाहें तो सब कुछ कर सकते, क्या नहीं कर सकते। जब 75 साल की भी उम्र में ऑपरेशन करा के और भगा सकते हैं, चला सकते हैं, तो बाकी क्या रह गया। और अभी इनकी इच्छा है, मैं अभी कहता हूँ इनके सामने, हो सकता है ये मेरे को सेंचुरी मारने का भी मौका दें। हाँ नहीं, नहीं, नहीं होना तो उनकी इच्छा से है, मेरी इच्छा आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामा 100 बरस का लेकिन पल की खबर नहीं, होना प्रभु इच्छा के हिसाब से है तो ये प्रभु जाएंगे। लेकिन इनकी इच्छा होगी, लेकिन हम कहते हैं जो भी समय हमारा इनसे कटे अच्छा कटे, प्रभु सेवा में कटे, किसी का ना किसी का बुरा हो ना दुख तकलीफ हो। हर मंगलवार हमारा पाठ होता है, हर मंगलवार हम हाजिर होते हैं, कभी साल में का दफा एबसेंट हो जाए तो बात अलग है, मजबूरी की वजह से। मतलब आपके पूरे परिवार के लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं? बिल्कुल सारे। अच्छा। सब सेवा का हमारा बेटा सुबह हमारा, उसका भी रूटीन, सुबह रोज रूटीन है, मैं थोड़ा घुटनों की वजह का नहीं आता, बेटे का रूटीन है, उसने तो आना ही आना है। अच्छा। अपना मत्था टेक जाना, मंगलवार तू आना है, मेरे बहू मेरे पोते, आई हैव गॉट 2 ग्रैंडसन्स, वन इज ऑलरेडी क्लियर बीटेक एंड इज सर्विसिंग समवेयर इन न्यूयॉर्क कंसर्न इन इंडिया, वो जेमटेक कंपनी है, उसके अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉयड है एमएनसी में। और छोटा पोता मेरा वो बीबीए कर रहा है, और एक बेटा है आगे मेरा, 2 बेटियाँ हैं, एवरीबडी इज मैरिड। मैं अपना प्रभु के चरण में जिस हाल में रखे मैं खुश हूँ। लालच तो ज़िंदगी में ख़त्म होता नहीं, एक तो सड़क पर 500 का नोट पड़ा हो, रिलायंस और अंबानी में जा रहा हो, एक दफ़ा तो नीचे झुकेगा, उठाएगा नहीं, झुकेगा ज़रूर उठाने के लिए। लालच तो ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता कभी भी, लेकिन फिर भी प्रभु की लीला है हर लिहाज से। आप इनको एक दफ़ा कहते हैं, फिर वो अब आदमी समझता नहीं ना, राम रसायन तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। अब आदमी समझे तो बहुत कुछ है, ना समझे तो कुछ भी नहीं, ये तो ऑलरेडी से राम रसायन तुम्हारे पास। और अब देखो तुझे ऐसा कौन सा केमिकल है जो हनुमान जी के पास है, राम रसायन तुम्हारे पास आ सकता, रहो रघु कुछ। अच्छा, आप 75 साल की उम्र में उत्साह से भरे हुए हैं, भक्तिभाव से भरे हुए हैं। हनुमान चालीसा में है कि जो दायक फलचा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब मिल जाता है। तो चूंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है जीवन का, आपने अनुभव से क्या जाना कि हनुमान जी के जो शरण में है उसको ये चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। बाकी देखो जी, थोड़ा सा दुख सुख के थोड़ा हानि लाभ वगैरह ये तो थोड़ा बहुत जीवन में आता है, अगर ये ना आए ना तो फिर तो मज़ा ही किरकर हो गया। सवेर से लेकर शाम तक मीठा खाते रहो तो शाम को एक स्टेज ऐसी है कि आप उग जाते हो, कहते थोड़ा सा नमकीन चाहिए, ये थोड़ा सा प्रभु देखो आप देते हो। आप ऐसा ना कहो कि मैं प्रभु की शरण में लगूँ और मुझे दुख तकलीफ परेशानी कभी ना आए, आए लेकिन उसको हर लेते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब संकट दूर कर देते हैं। इससे बढ़ के क्या होता है कि इस उम्र में इतना बड़ा ऑपरेशन झेल गया, दो डॉक्टर ने बोला कि एक घुटने का कराना है, दोनों का ही कराना है,
जब विकेट गिरनी है तो एक से भी गिरनी है और दोनों से भी गिरनी है, तो मेरे तो प्रभु बैठे हैं, मुझे क्या की चिंता है, संभालने वाले बैठे हैं भाई, संभालने वाले तो बैठे हैं ना, मुझे क्या की चिंता है। ठीक है, पीड़ा जरूर हुई लेकिन प्रभु को याद करा, तकलीफ हुई लेकिन प्रभु को याद करा, हरी राम हरी राम। बच्चे भी हैं अपना इसने लगे हुए हैं, आज भी हमारे मित्र वहाँ गए हुए हैं अपना बालाजी महाराज, समा मैंने इधर आने, मैं नहीं जा सका, मैंने कहा थोड़ी सी रास्ता मुझे तकलीफ हो जाए तो जो मेरी श्रद्धा थी थोड़ी बहुत मैंने दे दी भाई, सवा मनी में थोड़ा सा अंश मेरा भी डाल दो और प्रभु के चरणों में पसते रहे। प्रभु कृपा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जब कृपा आएगी तो हर रूप में आएगी, कृपा चाहिए ईश्वर की। अच्छा, ऐसे ऐसे भक्तों को आप क्या संदेश देंगे जो लोग कुछ कठिनाइयों में कुछ परेशानियों में घबरा जाते हैं, उनका धैर्य छूटने लगता है, ऐसे लोगों को क्या बताएंगे कि उसमें आदमी को धैर्य रखना चाहिए, एकदम देखो हथियार नहीं फेंकने चाहिए, एकदम हथियार नहीं फेंकने, उसको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, समय आया है कटेगा, वो तो आना सीता मैया में समय आ गया था तो फिर क्या कह रहे, वो थोड़ा समय लगता है, समय टाइम समय को भी शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता है, थोड़ा समय तो चाहिए चाहिए ना, वो दुख आया टल जाएगा, प्रभु देख रहे हैं क्या मेरे भगत के साथ अन्याय हो रहा है क्या अन्याय हो रहा है, बाकी थोड़ी दुख तकलीफ अगर जो कुछ मैंने अगर पिछले जन्मों में कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसको सजा तो मुझे मिलनी है, मैं हंस के भोगूँ मैं रो के भोगूँ मैं जैसे भोगूँ वो मुझे भोगनी है, लेकिन कम से कम इस जन्म में ऐसे कर्म ना करूँ तो मुझे अगले जन्म में जाके दुख तकलीफ हो, बाकी जो थोड़ा सा दुख तकलीफ हो रही है आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, वो उर्दू में कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद है खुदा, आप थोड़ी हिम्मत रखो, मदद करने वाले तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम्हें मदद लेनी नहीं आती तो कोई क्या करे, आप मतलब खाली बैठे, मैं कहना उसको समय थोड़ी खाली बैठे ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम श्री हनुमते नमः ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः, आप जा पर रखो समय थोड़ी है, जैसे तुम्हारा दिल कर रखे जा, आप स्कूटी चला रहे हो आप गाड़ी चला रहे हो कहीं जा रहे हो, घर में बैठे हो आराम से बैठे अखबार में पढ़े हो, अखबार अपनी जगह पढ़े हो अंदर तुम्हारे मन में जाप अंदर अंदर आप रोक थोड़ी सकता है, और तो कहीं भी आप बैठे हो और ज़रूरी लोग कहते हैं नहा के, मैं कहना बिना नहाए भी आप जाप कर लो लेकिन स्वच्छ होके, बिना नहाए हो अपना जाप कर लो कोई दिक्कत नहीं, नहा धोके तो फिर ज्योत नहा धोके चलाओ, जो हमारा विधान कहता है विधि कहती है, बाकी प्रभु के किस चीज़ की कमी है मुझे समझ नहीं आई है। हाँ, चूँकि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के जो भी शरण में हैं, संकट की स्थिति अगर आई भी है तो बहुत जल्दी वो दूर हो जाता है, टल जाता है। बाकी अब ये संकट आएगा नहीं या आया नहीं, देखो थोड़ा बहुत तो आता है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो ना, हथियार मत फेंको, हथियार मत फेंको, मतलब उसका थोड़ा सा सामना करो, बाकी प्रभु की तरफ ध्यान करो, प्रभु अपने हरेंगे सारी चीज़ जो दुख तकलीफ तुम्हारी हरेंगे, अब ध्यान तो रखो तुम इधर मन में बसाओ तो सही, वो तो तुम्हारे मन में चुके चुने बसे आए, इधर करो सही, आप झुकाओ तो रखो तो थोड़ा जी जी झुकाओ रखो तो सब कुछ होगा, कौन सी चीज़ें नहीं हो सकता, वो कई फिल्मों में गाना आता ना एक बार कदम रखते तो मर्द बन के फिर चट्टाने पड़ेंगे तेरे आगे सर बन के, कैसे नहीं पड़ेंगे, अब थोड़ा जाओ तो सही शरण में, प्रभु की कृपा तो लो, प्रभु तो बैठे हैं तो तुम लेने वाले नहीं बनते उनके पास इतना, वो तो तुम्हें औकात से भी ज़्यादा देते हैं, यानी कि हनुमान जी के शरण में जाने वाले लोग कभी खाली हाथ खाली हाथ, प्रभु सकल मनोरथ होती है, प्रभु कृपा होती होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय सियाराम जय सियाराम।